स्टॉक में है? नहीं सर, 60 साल का तो कोई नहीं है। हाँ, लेकिन 30-30 साल के दो हैं, चलेंगे? अरे क्या दिमाग खराब हो गया आपका? सर, एक 70 साल का भी है। गुड, ये तो चलेगा ही चलेगा। अरे भाई ले लो, उस बाप को अपना बेटा मिल जाएगा और आपको पला पलाया बाप मिल जाएगा। क्या बोलते हो, बोलो। देखो भाई, इससे अच्छा एक्सचेंज ऑफर आपको कोई नहीं देगा, बोल के रखता हूँ। कैसी बात कर रहे हैं आप? यहाँ मेरे पिताजी लापता हैं और आप मुझे एक्सचेंज ऑफर दे रहे हैं? अरे भाई, मैं तो कहता हूँ स्टॉक कब आप ले लो ना। देखो, नहीं लिया तो दो बातें होंगी, या तो आपको आपका एक्चुअल बाप मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। मिलेगा तो अच्छा है, मगर नहीं मिला तो दो बातें होंगी, या तो वो सही सलामत होगा या तो बाढ़ में घट बढ़ गया होगा। सही सलामत हुआ तो अच्छा है, मगर घट बढ़ गया तो दो बातें होगी, या तो आप उसका इलाज कराएंगे या तो नहीं कराएंगे। नहीं किया तो फिर मरेगा, मगर किया तो दो बातें होंगी, या तो उसका खर्चा कम लगेगा या तो ज्यादा लगेगा। कम लगने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, और ज्यादा लगा तो भाई आप क्यों 60 साल के बूढ़े बाप के लिए इतना ज्यादा खर्चा करना चाहते हैं? यहां 70 साल का पला पलाया बाप मिल रहा है आपको, बोलो उठाते हो क्या? दिमाग खराब हो गया आपका? यहां मेरे पिताजी लापता हैं और आप मुझे एक्सचेंज ऑफर दे रहे हैं? मुझे मेरे पिताजी चाहिए, माय ओरिजिनल फादर। चिल्लाओ मत, ढूंढ रहे हैं ना हम लोग। देखो, जिंदा में उनका नाम नहीं है, और लाश का पता लगाना है तो शुक्ला जी से मिलिए। शुक्ला जी से मिलिए। नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट भाई साहब। भाई साहब। अरे हूं क्या कर रहे हैं, ठीक से बात क्यों नहीं करते? लगता है आपके मुंह में बाढ़ आ गई है, जरा निकालिए, ओवरफ्लो हो रहा है। ये डॉक्टर क्या कमेंट्री कर रहे हैं आप? हाँ, मेरे पिताजी गायब हैं और आप यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं। भाई साहब देखिए, ब्लेम मत कीजिए, अभी आपके सामने फोन पर इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ना। पर आपकी इंस्ट्रक्शन समझ किसकी आ रही होंगी? मेरे फरीदा जलाल, पिछले 5 बाढ़ों से मैं ऐसे इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, मजा ले, 1 लाश गायब हो जाए। बोलिए सर, किसकी लाश निकलवानी है? लाश नहीं निकलवानी है, मेरे पिताजी गायब। फिर क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? लाश नहीं मिल रही आपको, जिंदा आदमी की पड़ी। भाई साहब कहीं उधर देख लीजिए ना। घनश्याम भैया, कितनी लाशें मिली यार, कुछ बताओगे कि नहीं? काम चालू है। हैं? अरे लो, तुम्हारी 10वीं भी मिल गई। अच्छी बात है बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहन जी मेरी वाली दो गए? नाम बोलो, रुको नहीं, ये साफ करो जल्दी जल्दी। डायना और लारा। अरे वो तो बाहर है, पांडे जी से पूछ कर चार्ज ले लो। धन्यवाद। ठीक है ठीक है, इसकी क्या जरूरत है, वैसे भी तो ये हमारा फर्ज है, एक एक को ढूंढ निकालेंगे। प्रॉमिस? लो शुरू हो जाओ। जी, मुझे भी वो ढूंढना है। अब गेहूं जरा ठीक से साफ करना, कंकड़ वंकड़ देखना। जी जी, ओ एक है। क्या कंकड़? नहीं, वो आइटम। आइटम मतलब वही जिसे ढूंढना है जी। नाम वाम है कोई? जी हाँ, मुसद्दी लाल सानी सीनियर। मुसद्दी लाल, ये कोई आदमी और जैसा नाम नहीं लगता। अरे जाओ ना भाई, टाइम नहीं अभी मेरे पास। मतलब कुत्ते बिल्ली के लिए आप फोर्स भेज देंगी? ये गोबर देने वाले और दूध देने वाले जानवरों के लिए टाइम है आपके पास, लेकिन मेरे पिताजी के लिए टाइम नहीं है। मतलब इंसानियत, इंसानियत नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? आप समझती क्या है अपने आपको? एक मिनट भाई साहब, क्या हो गया, क्या डूब गया आपका? अरे मेरा तो सब कुछ डूब गया भाई साहब। अरे कोई बात नहीं, तो आपको मेरे पास आना चाहिए ना। आइए, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। आइए, हाँ आइए, यहाँ बैठिए, आप आराम से बैठिए। बस इस ऑफिस में एक आप ही हैं ढंग के, बाकी तो सब। अरे भाई साहब, पांचों उंगलियां एक बराबर तो होती नहीं है। आप ये बताइए कि हुआ क्या? हुआ यूं था कि बाढ़ की रात को मेरे पिताजी ऊपर सोने के लिए चले गए, हम सब लोग नीचे रह गए थे, तो रात को अचानक बाढ़ आ गई, तो जल्दबाजी में और घबराहट के मारे हम लोग सब इधर उधर हो गए, तो पिताजी के बारे में भूल गए, और जब अब ऊपर गए तो पिताजी ऊपर नहीं है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। एनीवे, सामान क्या क्या खोया? सामान तो सारा ही खो गया, टीवी, फ्रिज। खाली था कि भरा हुआ था? नहीं भाई साहब, भरा हुआ था, रात का खाना था उसके अंदर, रात को खीर बनाई थी हमने। खीर फ्रिज में, वो भी एकदम ठंडी खीर। हाँ, पिताजी को बहुत पसंद थी ना। अच्छा, कलर क्या था? काला। लेकिन फ्रिज का कलर तो व्हाइट होता ना? हाँ वो तो व्हाइट होता, लेकिन पिताजी का रंग काला था ना। नहीं, मैं तो फ्रिज की बात कर रहा हूँ ना। मैं तो पिताजी की बात कर रहा हूँ ना। लेकिन ढूंढना तो फ्रिज है ना। नहीं, फ्रिज तो मिल गया हमें। हाँ, और खीर? खीर हम लोगों ने खा ली। अरे फ्रिज मिल गया, खीर खा ली, तो फिर यहाँ क्या लेने आया यार? पिताजी। अरे लेकिन तो फ्रिज क्यों लिखवाया? मैंने कहा लिखवाया फ्रिज? अरे अभी आपने लिखवाया फ्रिज खो गया, उसके अंदर खीर थी, खावा गया। नहीं भाई साहब, फ्रिज नहीं, मेरे पिताजी लापता हैं। लापता मतलब लापता हैं। अरे तो आप पटेल साहब के पास जाइए, यहाँ क्यों आए? मैं आया हूँ, आप मुझे यहाँ पे लेके आए? अरे बाढ़ नियंत्रण कार्यालय है कि ये है क्या? यहाँ पे किसी का अपने ऊपर कोई नियंत्रण ही नहीं है।
एक वो है पटेल साहब जो हर बात की दो बात कहते हैं और 30-30 साल के दो बात थमाने के लिए तैयार थे मुझे, और एक ये पान खाने की खाने वाले की औलाद, ये मेरे पिताजी को लाश बनाने वाले थे, और एक वो मैडम है जो कुत्ते बिल्ली के लिए तो टाइम है उनके पास लेकिन मेरे पिताजी को ढूंढने के लिए टाइम नहीं है। अरे यार एक ये है ठंडे फ्रिज की तरह, इनको खीर चाहिए, मेरे पिताजी के बारे में कोई परेशानी नहीं है इन्हें। अरे कोई है? अरे कोई है जो मेरे पिताजी को ढूंढ सके? अरे कोई है? अजीब आदमी है, बाप आम के पेड़ पर चढ़ गया है और यहाँ पर ढूंढ रहा है। अरे निकाल रस्सी, रस्सी फेंक, ठीक है भाई साहब। हाँ हाँ, बहुत पानी है। अबे बढ़ जाना आगे भाई साहब। हाँ निकल गई। अरे गया गया, हाँ, गया, 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 गया। ओ, 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 एक मिनट। हाँ भाई साहब पिताजी मिल गए? मिल गए। तो अब क्या चाहिए? नहीं मतलब मिले नहीं है, दिखे हैं। मिले नहीं दिखे मतलब? जो वो एक पेड़ के ऊपर टंगे हुए हैं, अगर उन्हें उतारा नहीं गया तो वो डूब जाएंगे। तो आप उन्हें उतरवा लीजिए ना प्लीज। तो सुनिए सर, ऐसा कीजिए ना, आप एक सीढ़ी लगाइए और कहीं उनको कहीं उतराएंगे। नहीं, पेड़ के आसपास बहुत पानी है, सीढ़ी लग नहीं सकती। पानी है तो कहिए ना कूद जाए और तैर के आ जाए। मेरे पिताजी को तैरना नहीं आता, वो डूब के मर जाएंगे। देखिए तब सचमुच बता रहा हूँ, ज्यादा आसान रहेगा। जी क्या मतलब? मतलब यहाँ बाढ़ बाढ़ में ना जिंदा आदमी को ढूंढना बहुत मुश्किल है, लाश तो यूं फटाफट निकलती है। घनश्याम क्या? भाई साहब प्लीज प्लीज भाई साहब प्लीज, मेरे पिता मिले? हाँ मिल गए। अरे तो लड्डू कहाँ है भाई? मैं लड्डू भी आपको खिलाऊंगा लेकिन वो पेड़ पे टंगे हुए हैं। अरे तो पेड़ किस चीज का है? आम का। अरे आम कच्चे हैं कि पके हुए? मेरा ख्याल तो पक्के हैं शायद। अरे पक्के आम मुझे बहुत पसंद है, आप पिताजी को कहिएगा उतरते वो जरूर लेके आएंगे। देखिए देखिए मैं उनसे कह दूंगा लेकिन पहले आप उनको उतरवा तो दीजिए। अरे उतरवाने का काम हमारा नहीं है, वो तो फायर ब्रिगेड का काम है, हमारा काम तो बाढ़ पे नियंत्रण लाना है, वो हम ला रहे हैं। तो मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ क्या? यहाँ यहाँ ये थोड़े गेहूँ पड़े वो साफ कर दीजिए ना। मेरे पिताजी उन्हें हम साफ कर देंगे। क्या? नहीं सॉरी। अच्छा अच्छा अच्छा, आप मेरे पिताजी को साफ करेंगी? मतलब आप सब लोग मिलके मेरे पिताजी को साफ कर देंगे? आप लोग समझते क्या हैं? समझते क्या हैं आप लोग कि मैं अपने पिताजी को वहाँ उस पेड़ पर से उतार नहीं सकता हूँ? उतार तो मैं लूंगा अपने पिताजी को, लेकिन अगर मैं उतारने के लिए गया तो दो बातें हो जाएंगी, या तो मैं पेड़ तक पहुंच जाऊंगा या मैं रास्ते में ही डूब जाऊंगा। अगर मैं पेड़ तक पहुंच गया तो ठीक है, लेकिन अगर मैं डूब गया तो दो बातें हो जाएंगी, या तो उसे हादसा समझ लिया जाएगा या आत्महत्या समझ लिया जाएगा। अगर हादसा समझ लिया जाएगा तो ठीक है, लेकिन अगर आत्महत्या समझ ली गई तो दो बातें हो जाएंगी, या तो उसका इल्जाम आप लोगों के ऊपर आएगा या नहीं आएगा। अगर नहीं आया तो ठीक है, लेकिन अगर इल्जाम आप लोगों के ऊपर आ गया तो आप सब लोगों का यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा। नहीं भाई साहब, हमें साल में एक महीने से ज्यादा काम करने की आदत नहीं है। हमारे लिए ये बाढ़ वाली जगह ही ठीक है। हाँ हम आपके पिताजी को पहले लाश के निकाल लेंगे थे। ये सही सोचा। यही तो, आप जल्दी जाइए ना, क्या कर रहे हैं आप लोग, जल्दी जाइए। हाँ हम सब मिलकर उतारेंगे आपके बाप को। चलिए चलिए चलिए, आइए आइए जी, आइए आइए भाई। थैंक गॉड बच गए, अगर ट्रांसफर हो जाते तो सब लोग मारे जाते, हम लोगों को तो काम करने की आदत ही नहीं है। हाँ यहाँ साल में एक बार पूरे साल का राशन तो साफ हो जाता है। सारी मेहनत बाढ़ के पानी में बह गई, खाम-खा टाइम वेस्ट हो गया यार। अरे यार इतने देर में तो 4-7 लाश निकाल लेते भाई। अरे हमें इनको साथ लेके ही नहीं जाना चाहिए था यार। अरे ले जाते नहीं तो पता कैसे चलता कि इनके पिताजी कौन हैं? वहाँ हर डाल पे एक पिताजी था। तो क्या हुआ, उतरा क्या? अरे उतरते उतरते रह गए। क्यों? सब इनकी गलती है। अरे इसमें मेरी क्या गलती है? मैं समझाता हूँ। देखो जैसे ही हम वहाँ पहुंचे, इन्होंने देखा कि इनके पिताजी आराम से डाल पे बैठे हुए। हमने रस्सी फेंकी ट्यूब बांध के, उन्होंने रस्सी पकड़ ली और हमने रस्सी खींची, बस वो किनारे पे पहुंचने ही वाले थे, बस पहुंचे ही थे। जैसे ही वो किनारे के पास पहुंचे वैसे ही भाटिया साहब ने कहा कि जाइए जाके पहले मेरे लिए आम लेके आइए। तो आपने सिर्फ आम लेने के लिए उन्हें वापस भेज दिया? हाँ, और वो आम लेने के लिए ऊपर पहुंच गए, आम तोड़े, हमने दोबारा रस्सी फेंकी, उन्होंने दोबारा पकड़ ली। बस पकड़ने ही वाले थे इतने में ये चिल्लाए, ओ पिताजी पिताजी ट्यूब ध्यान से पकड़ना पिताजी। हाँ, ट्यूब के चक्कर में उन्होंने सारे आम छोड़ दिए और इन्होंने रस्सी छोड़ दी, आम भी गए रस्सी भी गई और पिताजी भी। अरे तो बस कर रही है आप, पिताजी मेरे पेड़ के ऊपर चढ़ गए, आप उतरवाइए उनको किसी तरह से। अरे कैसे उतरवाए उनको, हमारे पास तो रस्सी भी नहीं है। अरे तो नाव मंगवाइए, स्टीमर मंगवाइए, वो शिप मंगवाइए। भाई साहब टाइटैनिक मंगवा दें। और जरा टाइटैनिक लाइए। अच्छा ठीक है, हंस लीजिए आप, कर लीजिए मजाक, करवाता हूँ मैं आप लोगों का ट्रांसफर। अरे नहीं 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 भाई साहब, पैसा प्लीज, ट्रांसफर की बात आप मत कीजिए बार बार। करवा भी देंगे, ऐसा करते हैं हम सब चलते हैं लेकिन आप यहीं रहिए। पर कुछ नहीं, एक मिनट सुनिए,
जरा इन पे नजर रखना। डोंट वरी पांडे जी। चलो 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 मतलब हाथ पे हाथ धरे खड़े क्या हो, चावल साफ करो। जी जी ध्यान से देखना जरा। हेलो। हाँ ललिता बोल। क्या तेरी सास पेड़ पे चढ़ गई है? अरे तुझे तो खुश होना चाहिए। अरे 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 अरे, उसे बचाने के लिए तेरे पति भी पेड़ पे चढ़ गए? नहीं नहीं तू टेंशन मत लेना, हमारे लोग हैं ना अभी किसी को उतारने के लिए वहां गए हैं, तू भी वहां जा। और सुन अपनी आंखों के सामने उतारना, वरना उतारने के बजाय ये ऊपर चढ़ा देंगे। अरे कहीं मेरे पिताजी को भी ऊपर चढ़ा दिया तू? नहीं 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 डोंट वरी ओके बाय। अरे ये कहां चला गया? आम के पेड़ पे चढ़ गए थे। आम के पेड़ पे थे कि ताड़ के पेड़ पे? बड़ी मुश्किल से उतारा है। ध्यान से नहीं उतारना मत वरना टूट जाएंगे। सर सर मेरे आम दे दीजिए आप। लाइए लाइए। ये लो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का मुझे पेड़ से नीचे उतारने के। अरे धन्यवाद किस बात के अंकल, आपके चक्कर में एक लाश का नुकसान हुआ है। सर बहुत ही मीठा आम है, अगली बाढ़ में भी पेड़ पे जरूर चढ़िएगा। यही था क्या वो बाप? हाँ। लेकिन ये पेड़ पे चढ़े कैसे, आपको डर नहीं लगा? अरे डरवर छोड़िए, इनके बेटे को इनके डिलीवरी के लिए खामखा। अरे इनका लौंडा कहाँ है? आप लोगों के पीछे पीछे गया, हमें तो नहीं दिखा। पर वो गया कहाँ? अरे मुतंदी लाल जी, मुतंदी लाल जी। हाँ बेटा ही रावल बोलो। अरे आपका पेड़ बेटे पे चढ़ गया है? अरे मतलब आपका बेटा पेड़ पे चढ़ गया। क्यों? अरे आपको उतारने के लिए भाई। अरे अंकल इनको तो हमने उतारा है यार, अब उसे कौन उतारेगा? अरे अरे मेरे बेटे को उतार लो, मेरे बेटे को उतार लो भैया। नहीं नहीं भैया अभी बहुत थक गए हैं, और रहने दो ना, तीन चार दिन के बाद अपने आप उतर आएगा वो। कैसे? अरे पानी घटेगा तो उतर आएगा। आपको कैसे पता कि पानी घटेगा? 7 साल का अनुभव है हमको बाढ़ का। अच्छा तो आपको 3 दिन पहले ही पता है कि 3 दिन बाद पानी उतर आएगा? अरे हमें तो 3 दिन पहले ही पता चल गया था कि 3 दिन बाद बाढ़ आने वाली है। क्या? प्रदेश में बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में है, ये सारा श्रेय बाढ़ नियंत्रण विभाग को जाता है। आगे बाढ़ ना आए उसकी तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। सारा विभाग काम में जुट गया है। शहर में स्थिति गंभीर है लेकिन समोसे में स्वाद है, लोग लैक्टोसिरोसिस से मर रहे हैं। पर सर मैंने तो सुना है लोग जान से मर रहे हैं। अरे जान से तो मर ही रहे हैं, लेकिन लैक्टोसिरोसिस एक बीमारी होती है, जानलेवा बीमारी जो फैलाती है ये समोसे। समोसों से मर रहे हैं? नहीं नहीं भाई, चूहों से मर रहे हैं। शुक्ला ये समोसे कहाँ से लाए हो यार? वो नीचे मुड़ने पे सीधा हलवाई की दुकान से। हम यहाँ चूहों पे डिस्कस करने आए हैं, समोसों पे? समोसों पर। क्या? चूहों पर। देखिए ये बीमारी चूहों की वजह से फैल रही है, इसलिए हमें उन्हें पकड़ना होगा। मगर सर हमारा ये चूहा हमारा हेड है ना पांडे जी, ये कब काम आएगा? 25 से 30 चूहे डेली पकड़ने का एक्सपीरियंस है पिछले 7 सालों से। नहीं 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 पांडे जी, सरकार सभी चूहा मारों को काम नहीं दे सकती है। क्यों? इसलिए क्योंकि एक चूहा मार को 6,000 रुपए तनख्वाह देनी पड़ती है, फिर TA DA, और वो मारता कितने? 25 चूहे, एवरेज आती है 15 रुपए पर चूहा। सरकार ने कहा है अब ये काम जनता करेगी, एक जिंदा या मुर्दा चूहा लाने वाले को मिलेंगे 4 रुपए। लेकिन हमारा क्या होगा? आप मक्खियां मारिए। पांडे जी आपका दुख देखा नहीं जाता, मतलब तो कुछ करो ना। क्या करें मजबूर है ना, लेकिन आप भी दबा के हरामखोरी किए। क्या हरामखोरी किए हैं? 25 चूहे डेली पकड़ने का ऑर्डर था, 30-30 पकड़े। अरे भाई 30 डेली पकड़ के ले आते आप? क्या क्या माने? नहीं नहीं क्या हमको मत सिखाइए तरीका पान थूकने का, वही 30 चूहे डेली पकड़े, वही छोड़े, फिर वही पकड़ लिए। अब डेली नए नए 30 चूहे कहाँ से पकड़े? ये लोग कहाँ से लाते हैं? ये लोग तो मेहनत करते हैं। तो आप भी कर लेते ना मेहनत। अब सारा दिन चूहे पकड़ने में लगा देंगे तो स्टेट एजेंसी का धंधा कौन संभालेगा? वाह बेटा वो भी खोले आप? हाँ। तो जाइए वहीं जाकर बैठिए फिर। लेकिन अगर कहीं सस्पेंड हो गया तो फिर दुकान का किराया कहाँ से दूंगा? पहले कहाँ से देते थे? चूहा पकड़ने की तनख्वाह मिलती थी 6,000। पांडे जी एक बात गर्व पे कहना पड़ रहा है कि आप लेप्टोसिरोसिस का भी डाटा फैल हुए। क्या जी? ये भाई साहब ये चूहे कहाँ जमा किए जाते हैं? ये उषा मैडम से फॉर्म लीजिए और जाके जमा करा दीजिए। देखो सासू माँ घर में बैठे बिठाए काम मिल रहा है ना? हाँ तो अरे एक चूहे के 4 रुपए कम नहीं होते, 5 भी पकड़ो तो भी 20 रुपए निकल जाते। क्या कहा? घर में चूहे कहाँ है, पूरा घर चूहे से भरा पड़ा है,
अरे तो ससुर जी को बोलो ना मदद करने के लिए, एक दो भी पकड़ेंगे तो भी दिहाड़ी बन जाएगी। हाँ गुड। ये उषा जी कौन है? यही तो है उषा जी। यही तो, पिंजरा लगाओ ना। उषा जी? अरे अरे नहीं नहीं नहीं, जाने मत देना, मैं होल्ड करती हूँ। हाँ उषा जी क्या है जी? मुझे चूहा जमा करने के लिए एक फॉर्म चाहिए। देखते नहीं मैं बिजी हूँ। अरे मैडम एक फॉर्म निकालने में कितना टाइम लगता है? ओफो नहीं नहीं, तुम्हें नहीं, तुम चूहे पकड़ो, यहाँ नहीं है, तुम टीना से जाके मिलो। ये टीना कौन है? क्या हुआ? अरे ये तो जवान लड़की है, इनके साथ तो जरा प्यार से बात करनी पड़ेगी। आओ। एक्सक्यूज मी मिस। क्या है जी? मैंने चार चूहे पकड़े हैं। तो मैं क्या कर सकती हूँ? आप भाटिया साहब से जाके मिलिए। नहीं भाटिया साहब नहीं, चूहे जमा करने का फॉर्म तो आप ही के पास से मिलेगा ना। हाँ लेकिन आज फॉर्म्स खत्म हो चुके हैं, आप कल आइए। जी बहुत अच्छा। क्या बड़े अजीब लोग हैं, कल आया था तो कहा कि आ जाओ, आज कहते हैं कल आना। अजी तीन दिन से दो चूहे ले घूम रहा हूँ, जमा नहीं करते। नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है मैडम, झूठ थोड़ा ही बोलेंगे। क्यों मिस? कुछ नहीं भाई साहब, ये सब इनके खाने पीने के तरीके हैं, बिना फॉर्म लिए चूहा जमा नहीं करते और बिना खाए फॉर्म देते नहीं है। अच्छा जी, आपको पक्का पता है कि ये खाती है? अजी पर फॉर्म 2 रुपए खाती है। लो एक 5 रुपए का नोट निकालना जरा, जल्दी करो। ये लीजिए साहब। अजी क्या करेंगे इसका? बस देखते रहिए आप, कहीं ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाए। अरे भाई साहब आप चिंता क्यों करते हैं, आप देखिएगा कैसे एक सेकंड के अंदर मैं फॉर्म निकलवाता हूँ। क्या हुआ क्या हुआ? कुछ नहीं भाई साहब, ठीक तो है आप? नहीं नहीं, एक थप्पड़ किसी आवाज सुनाई दी थी मुझे। किसको पड़ा थप्पड़? गाल किसी को भी पड़ा हो, थप्पड़ तो आपका ही लाल है ना। गाल किसको पड़ा? थप्पड़ मेरा लाल? नहीं मैं समझा नहीं। थप्पड़ किसी को भी पड़ा हो, गाल तो आपका लाल है ना भाई साहब। लेकिन हुआ कैसे? मैं अभी बताती हूँ। नहीं नहीं नहीं, आपको बताने की क्या जरूरत है, मैं घर जाकर समझ जाऊंगा। वैसे एक बात बताइए, आपने मुझे थप्पड़ मारा क्यों? आप लड़कियों को इशारे दिखाकर नोट करते और आपको शर्म भी नहीं आती? लड़कियों को नोट करता हूँ मैं? लड़कियों को नोट दिखा के इशारे करते हैं तो लड़की तो थप्पड़ मारेगी ना। नहीं 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 नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो रिश्वत दे रहे थे। हाँ हाँ। अरे तो सीधा सीधा बोल देने का कि भाई रिश्वत दे रहा हूँ, हम मना थोड़ी करते हैं। आई मेरे साथ आई। नहीं वो मेरे 5 रुपए का क्या होगा, वो एडजस्ट हो जाएंगे। किसमें? आपको इतनी मेहनत करके थप्पड़ जो मारा है उसमें। आई आई मेरे साथ आई चली। मैडम हमारे चूहे, ये फॉर्म भर के जमा करा दो, साथ में चूहों को अटैच कर देना। धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद बाद में दीजिएगा, पहले पहले क्या रिश्वत तो दो। 6 रुपए पर फॉर्म। 6 रुपए? मतलब 6 रुपए रिश्वत नहीं है, रिश्वत सिर्फ 5 रुपए है, 1 रुपया फॉर्म की लीगल फीस है भाई। नहीं भाई साहब लेकिन 5 रुपए तो बहुत ज्यादा है। अरे ज्यादा कहाँ है, एक फॉर्म पर आप अनलिमिटेड चूहे जमा करा सकते हैं। समझो आप 10 चूहे लाए तो पर चूहे के 4 रुपए के हिसाब से आपको 40 रुपए मिलेंगे, तो उसमें से 5 रुपए नहीं दे सकते? ये तो गलत बात है ना भाई। हम आप लोगों के लिए इतनी नई नई स्कीम्स निकालते हैं और आप है कि हमारी कमाई के बारे में कुछ नहीं सोचते। ये तो ठीक है ना, बोलते हैं ना ठीक है, तो रखो चूहों को शोकेस में सजा कर, मैं फॉर्म नहीं दूंगा। मेरे कैसी बात कर रहे हैं भाई साहब आप, कोई भी आदमी चूहों को शोकेस में सजा के रखता है? भैया फॉर्म दीजिए। 6 रुपए दीजिए। 6 रुपए बहुत ज्यादा है, कुछ कम कीजिए। अरे भाई नहीं नहीं, नो बार्गेन, फिक्स रेट। ये लीजिए 5 रुपए रिश्वत के और ये 1 रुपया फॉर्म का। ये लीजिए फॉर्म भर के जमा करा दीजिए। किसके पास? बड़े साहब भाटिया जी के पास। अब ये बताइए कि चूहे कहाँ मारे? जी नहीं मारे नहीं, पकड़े। हाँ हाँ वही चूहे कहाँ पकड़े? जी एक चूहा तो मैंने अपने घर के स्टोर रूम में पकड़ा, एक आ, 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 संदूक के पीछे से पकड़ा और 2 समझ लीजिए यहाँ वहाँ। यहाँ वहाँ का ब्यौरा नहीं दिया आपने? यहाँ वहाँ मतलब यहाँ वहाँ? नहीं नहीं यहाँ वहाँ आपको क्लियर करना पड़ेगा ना। क्यों? अरे भाई सरकारी फॉर्म में पूरा भरना पड़ता है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, तो समझ लीजिए आपके भाई आटे की बोरी में थे बाकी के 2 चूहे। आटे की बोरी में चूहे क्या कर रहे थे? अब आटे की बोरी में आटा खा रहे होंगे और क्या कर रहे होंगे। जाहिर सी बात है। आपके आटे की रोटी बनती है? बनती तो हमारे आटे की रोटी है। पराठे भी बनते होंगे? पराठे भी बनते हैं। किस चीज के बनते हैं? अरे तरह तरह के पराठे बनते हैं, आलू के बनते हैं, गोभी के बनते हैं, मूली के बनते हैं, प्याज के बनते हैं। आज किस चीज के बने थे? आलू के बने थे। लेके नहीं आए जी? मतलब 4-5 पराठे ले आते तो क्या चला जाता यार तुम्हारा? नहीं तो अगली बार लेता आऊंगा, अब तो चूहा मारने की खातिर या पकड़ने की खातिर आना जाना रहेगा ही। अगली बार आना तो जरूर लेके आना। ये चूहे ले लो और ये फॉर्म भी ले जाओ। ये जमा नहीं किया आपने? नहीं ये जमा नहीं हो सकते। क्यों? अरे फॉर्म ठीक से पढ़ा नहीं है आपने, एक फॉर्म पे कम से कम 5 चूहे जमा होते हैं, ये 4 हैं, एक और लाइएगा तब जमा करेंगे। अरे देखिए भाई साहब एक ही तो काम है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए।
नहीं नहीं, इंक्वायरी हो गई तो? नहीं, अगली बार आऊंगा तो 6 लेके आऊंगा, उनमें से एक निकाल के इसके साथ एडजस्ट कर लीजिएगा। नहीं नहीं, रूल इज रूल, और वैसे भी मेरे खाने का टाइम हो गया। अरे खाने के लिए आप मुझे बताइए आप क्या खाएंगे, मैं खिलाता हूँ आपको। फिर क्या कमाओगे? अरे जाओ अगली बार कम से कम इतने चूहे लाना कि आने जाने का खर्चा निकल सके। जी अरे होना क्या है, वापस ले जा रहा हूँ, बैरंग जा रहे हैं वापस। क्यों जमा नहीं किए? अरे नहीं, कहते हैं 4 नहीं कम से कम 5 चूहे चाहिए, अब मैं 5वां चूहा कहां से पकड़ के लाऊं? बड़ी दिक्कत चल रही है देश में। अरे दिक्कत कोई ऐसी वैसी, आपको क्या पता कि कितनी दिक्कत से मैंने ये चूहे पकड़े हैं। अरे डंडा पकड़ के भागता रहा हूं उनके पीछे, पूरा पूरा दिन बैठा रहा हूं। कोई और काम नहीं है क्या आपका? हलवाई की दुकान है मेरी। वेरी गुड, हलवाई की दुकान में तो बहुत चूहे जमा होते होंगे। हां हैं, बड़े बड़े हैं। तो ठीक है, एक और जमा करिए, 5 हो जाए, पूरे कर दीजिए। अपनी दुकान से तो एक भी नहीं लूंगा। क्यों यार, चूहा जब इतनी बीमारी फैला रहे हैं। मेरे बेटे के फ्यूचर का सवाल है। बेटा क्या धंधा है बेटे का? मेरे हलवाई की दुकान के पास में ही उसकी दवाई की दुकान है, जो कोई मेरे यहाँ से मिठाई खरीदता है उसके यहाँ से दवाई खरीदता है। अब अगर मैंने अपने यहाँ से चूहे भगा दिए तो उसका तो धंधा बेचारे का चौपट हो जाएगा ना, मैं अपने बेटे का फ्यूचर खराब नहीं करूंगा। बात तो सही है, लेकिन कोटे का पूरा क्या होगा? यही तो समझ में नहीं आ रहा। मैं एक आइडिया दूं? आइडिया दो मगर पैसे नहीं दूंगा मैं। अरे मत देना यार पैसे। अरे दो आइडिया। अरे ये पांडे जी है, 30 चूहा डेली पकड़ेंगे, आपके नाम पे जमा हो जाएंगे, 4 रुपए प्रति चूहे के हिसाब से 120 रुपए हुए, आप अपना हलवाई की दुकान पे बैठ के 20 रुपए कमाओ ना। अरे हुए तो 120 रुपए और मुझे मिलेंगे 20 क्यों? 50 रुपए डेली मेरी फीस। मैं चलिए 50 वो भी निकाल दीजिए, फिर भी 70 रुपए हुए, 20 कैसे? अरे यार हमारी दलाली का भी तो कुछ दोगे ना। दलाली के 50 रुपए? अरे नहीं भैया मैं ये काम नहीं करता, कल को इंक्वायरी हो गई तो मेरे पास आएंगे ना लोग और पूछेंगे कि भैया ये चूहे कहाँ से पकड़े, तो मैं क्या जवाब दूंगा? आपको कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं, फिर भी डेली 30-30 चूहे पकड़ना। डेली कहाँ मारना यार, एक ही बार पकड़ेंगे। आप जो हमें चूहे ला करके दोगे ना, वो रात में हम आपको वापस कर देंगे, अगले दिन फिर वही आके जमा करा देना बस। अच्छा मतलब दुनिया गोल है। अब पता चला ना चूहों की कीमत ज्यादा है दुओं से। तो बोलो ना हाँ। नहीं नहीं मैं ये नहीं करूंगा। क्यों? अरे भैया पहले ही नकली तेल के अंदर मिठाई बनाने के चक्कर में 2 बार अंदर जा चुका हूँ मैं, अब चूहों के चक्कर में अंदर नहीं जाऊंगा मैं। कुछ नहीं होगा यार। अरे नहीं नहीं मुझे नहीं करना है। सोच लो। नहीं भैया।